हेलो फ्रेंड्स, हम साइंस की घटना चक्र आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 से। दाब का मात्रक है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका आंसर है ई, दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं है। इसका हम मात्रक देख लेते हैं क्या है। किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है, जो इसका मतलब अभी इसका प्रचलन नहीं चल रहा है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है, तो एसआई मात्रक का यह अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में जो प्रचलित इकाई, जो चल रही इकाई है, वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इकाई है, किसकी इकाई है, बार, नॉट, जूल, ओम। इसका आंसर है ए, बार की। जूल जो होता है वो कार्य और ऊष्मा की इकाई या क्यों ऊर्जा की इकाई होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक जो 10^5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है, बराबर होता है, इसे एसआई मात्रक के रूप में हम पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार इक्वल टू होता है 10^5 पास्कल के। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, मतलब ये किसके बराबर है। एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10.0 बार के और 100.0 बार के। तो इसका आंसर है बी, 1.0 बार के बराबर है ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बल, दाब, वेग, त्वरण। इसका आंसर है बी, दाब जो होती है वो अदिश राशि है, बल, वेग, त्वरण ये सभी सदिश राशि है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है, यह अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, अदिश राशि में आपका आयतन, दाब, चाल, दूरी आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं। तेल एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, मतलब एक बैरल बराबर कितने लीटर होता है, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 201 लीटर। इसका आंसर है बी, 159 लीटर एक बैरल के बराबर होता है, तेल को हम बैरल में नापते हैं। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर या क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। एक बैरल बराबर होता है 158.9873 के बराबर, या यू कहे 159 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। इसका आंसर है डी, फर्मीमीटर। माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर के, 10^-6 मीटर इक्वल टू माइक्रोन, एक माइक्रोन। नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर इक्वल टू एक नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10
10 मीटर के, यहाँ एक्सप्लेनेशन है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर के, और एक फर्मी मीटर इज इक्वल टू होता है 10^-15 मीटर। न्यूनतम इकाई जो है फर्मी मीटर है लंबाई नापने की। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें मैच कराना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले इसका आंसर देख लीजिए आप कि इसका आंसर हो बी। ए का 3 क्यूसेक इक्वल टू जो होता है प्रवाह की दर है, क्यूसेक को हम प्रवाह की दर के थ्रू मापते हैं, और बी का जो है 4 है कंप्यूटर को बाइट में करते हैं हम, और सी का टू मतलब रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है, और डी का 1 बार इज इक्वल टू बार से हम दाब को मापते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल प्रवाह की दर मापने के लिए हम क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड या क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में हम बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर से हम भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापते हैं, और बार जो है वो दाब की एक इकाई है। आई एम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। इसका आंसर है सी, जल का बहाव या जल का प्रवाह दर ही क्यूसेक मापा जाता है, ऐसे क्यूसेक मापा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्शन, पॉज, मैक्सवेल। इसका आंसर है बी, डॉप्शन। ओजोन परत की जो हम मोटाई नापते हैं वो डॉप्शन से नापते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका हम, क्या हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई डॉप्शन में मापी जाती है। एक डॉप्शन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्शन इकाई इक्वल टू इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, शोर का मापन के लिए। तो इसका आंसर है सी, ओजोन परत नापने के लिए जो हम डॉप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया फ्रेंड्स, आइए उसके क्वेश्चन करते हैं हम। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, और नौसंचालकों द्वारा। इसका आंसर है डी, नौसंचालकों द्वारा हम सोनार का प्रयोग करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जा महासागर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, और सेक्सटेंट का, और सोनार का। इसका आंसर है डी, सोनार का प्रयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।